नमस्कार बाबा, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। चिरकुंडा 3 नंबर चढ़ाई, राम भरोसे सार्वजनिक मंदिर में साप्ताहिक मत भगवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा सुनने के लिए भक्तजनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भागवत कथा ये सप्ताह कथा, एक सप्ताह की कथा है। प्रथम दिन 25 तारीख को हम लोग जल यात्रा करके प्रारंभ किए और संध्या से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई, जो प्रतिदिन होते हुए 2 तारीख को ये कथा संपन्न हो जाएगी और 2 तारीख को ही इस कथा का समापन हवन पूर्णाहुति एवं महाप्रसाद का वितरण होगा। भागवत कथा तो मानव को बहुत बड़ी प्रेरणा देती है, सत्कर्म करने का, सद्मार्ग पर चलने का, सत्य का आचरण करने का, दुष्कर्मों से वंचित रहने का। भागवत श्रवण करके जो आदमी उसका अनुकरण कर ले तो वह प्राणी जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। भागवत से कहा गया है कि भागवत की कथा जब स्वयं परीक्षित सुन करके 7 दिनों के अंतर्गत वह वैकुंठ को प्राप्त कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे, तो आज अगर प्राणी उसका श्रवण करे तो उसे सुख और संपदा की प्राप्ति क्यों न हो। तो भागवत का आज 5वां दिवस है। आज हमारे यहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के बाद कल जो है उनके रास की लीला होगी, रास की कथा होगी। परसों रुक्मिणी विवाह होगा और 2 तारीख को सुदामा चरित्र करके कथा को विश्राम दिया जाएगा। यही कथा सप्ताह का प्रोग्राम है। मेरा नाम राम रतन पांडे है। मैं इस श्री राम भरोसा धाम सार्वजनिक मंदिर का पुजारी हूँ और कथा श्रवण करने वाले से सबों से अनुग्रह आवाहन है कि भंडारा में सभी लोग पधारें, क्योंकि महाप्रसाद का फल जो है, कथा श्रवण का फल कहा गया है कि संपूर्ण पूजा का फल जो है प्रसाद से ही, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो जब कृपा प्राप्त होगी तभी आप जो है कुछ फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए प्रसाद में सभी को आग्रह के साथ, प्रार्थना के साथ सबको विनम्र जो है निवेदन और निमंत्रण दे रहे हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।